सिपाहियों! अब्दुल रहमान गाजी। सिपाहियों! अब्दुल रहमान गाजी। आप ठीक तो हैं? सहारा दो इन्हें। ये क्या हो गया? मुझे छोड़ो, सूफिया भाग गई है। जल्दी उसके पीछे जाओ, वो भागने न पाए। जाओ फौरन, चलो जल्दी जाओ। बच्चों, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। उस्मान, तुम पर एक बाजू क्या, हजार बाजू कुर्बान है। ओ मेरे अब्दुल रहमान गाजी, भाईजान क्या सोच से तभी भाग गया है? आ गए उस्मान, आ गए। ठीक है, चलिए शिफा खाने चलिए, जल्दी। चलो सिपाही, आराम से उठाओ इन्हें। बस अब्दुल रहमान गाजी, हिम्मत रखिए। ठीक है अब्दुल रहमान गाजी, कुछ नहीं होगा तुम्हें इंशाल्लाह। चलो उठाओ। बिस्मिल्लाह। हमने सब कुछ खो दिया। अभी बातें करने का वक्त नहीं है, वो किसी भी वक्त हमारे सरों पर होंगे। चलो। वो भाग गए, हम हुजूर को क्या वजाहत देंगे? उनका पीछा करते हैं, आ जाओ। अब्दुल रहमान गाजी, बस अब्दुल रहमान गाजी, देखें इसे, देखें। अब्दुल रहमान गाजी, सब ठीक होगा। इनका बहुत खून बह चुका है, ये बच जाएगा ना? मुझे बताओ, मेरा अब्दुल रहमान गाजी बच जाएगा ना? ये मेरा रब जानता है, लेकिन अब्दुल रहमान गाजी को बचाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इन्हें जिंदा रखने के लिए जो भी कर सकते हैं कीजिए, आप जो कर सकते हैं आप कीजिए। फिर हमें इनका ये बाजू काटना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं तबीब? क्या कह रहे हैं आप? ये ऐसा नहीं हो सकता। ये बाजू हमारी रिवायात का रखवाला है, इस बाजू ने काफिरों के सर काटे हैं। क्या इस बाजू को काटना इतना आसान है तबीब? बताइए मुझे, क्या इतना आसान होगा? मैं जानता हूँ जनाब, ये आसान नहीं है, लेकिन अगर हमने इनका बाजू ना काटा तो ये नासूर बनकर इनकी जान ले लेगा। बाजू काटना जरूरी है। वरना ये नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। तबीब, अब्दुल रहमान गाजी यहां से जिंदा जाना चाहिए, जैसे मेरे अल्लाह की मर्जी। बाजू के साथ या बाजू के बगैर, अब्दुल रहमान गाजी को यहां से जिंदा जाना चाहिए। इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान गाजी,